ठीक है। देखिए, हमने हमेशा संत महापुरुषों के विचार प्रसार के लिए जितने प्रयत्न हो सकते हैं वो सब करते हैं। जैसे गुरुओं की शताब्दियाँ, चाहे उससे पहले गुरु नानक देव जी का हमने प्रकाशोत्सव मनाया था, गोविंद सिंह जी का, अभी गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल प्रकाशोत्सव, ये इस साल सारे देश भर में मनाया जा रहा है। क्योंकि कोविड था तो इसलिए हम प्रारंभ के जो शुरुआत के कार्यक्रम तो नहीं कर सके थे, लेकिन अब समापन के समय पर हम एक बड़ा कार्यक्रम हरियाणा में कर रहे हैं, पानीपत में 22 अप्रैल और इस साल का 2022 का। पूरे हरियाणा से तो सात संगत वहाँ आएगी ही, मैं समझता हूँ कि सारे देश भर से भी जो महापुरुषों के इस प्रकार के विचारों से सहमत हैं, जो उनकी शिक्षा को मानते हैं, गुरु तेग बहादुर जी के प्रति आस्था रखते हैं, वो सारे देश भर से भी लोग आने वाले हैं। बड़ी संख्या में वहाँ लोग आएंगे, दिन भर वो कार्यक्रम चलेगा, सुबह दिन में एक धार्मिक प्रवचन होंगे, सायंकाल संगीत के कार्यक्रम होंगे, वहाँ एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जिसको सब लोग आकर के देखेंगे। तो एक श्रद्धा भाव से वहाँ दिन भर का ये कार्यक्रम चलने वाला है, लाखों की संख्या में लोग आएंगे। सर, केजरीवाल ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पंजाब में एक पेंशन हो गई है, हम सेवा भाव के काम से आ रहे हैं, अगर हरियाणा में भी होती है तो अच्छा होगा। मैं केजरीवाल जी को निमंत्रण देता हूँ कि पानीपत के 24 अप्रैल के 400 साल प्रकाशोत्सव में वो आए, उनकी सारी बुद्धि ठीक हो जाएगी। देखिए, हमने हमेशा संत महापुरुषों के विचार प्रसार के लिए जितने प्रयत्न हो सकते हैं वो सब करते हैं। जैसे गुरुओं की शताब्दियाँ, चाहे उससे पहले गुरु नानक देव जी का हमने प्रकाशोत्सव मनाया था, गोविंद सिंह जी का, अभी गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल प्रकाशोत्सव, ये इस साल सारे देश भर में मनाया जा रहा है। क्योंकि कोविड था तो इसलिए हम प्रारंभ के जो शुरुआत के कार्यक्रम तो नहीं कर सके थे, लेकिन अब समापन के समय पर हम एक बड़ा कार्यक्रम हरियाणा में कर रहे हैं, पानीपत में 22 अप्रैल और इस साल का 2022 का। पूरे हरियाणा से तो सात संगत वहाँ आएगी ही, मैं समझता हूँ कि सारे देश भर से भी जो महापुरुषों के इस प्रकार के विचारों से सहमत हैं, जो उनकी शिक्षा को मानते हैं, गुरु तेग बहादुर जी के प्रति आस्था रखते हैं, वो सारे देश भर से भी लोग आने वाले हैं। बड़ी संख्या में वहाँ लोग आएंगे, दिन भर वो कार्यक्रम चलेगा, सुबह दिन में एक धार्मिक प्रवचन होंगे, सायंकाल संगीत के कार्यक्रम होंगे, वहाँ एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जिसको सब लोग आकर के देखेंगे। तो एक श्रद्धा भाव से वहाँ दिन भर का ये कार्यक्रम चलने वाला है, लाखों की संख्या में लोग आएंगे। सर, केजरीवाल ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पंजाब में एक पेंशन हो गई है, हम सेवा भाव के काम से आ रहे हैं, अगर हरियाणा में भी होती है तो अच्छा होगा। मैं केजरीवाल जी को निमंत्रण देता हूँ कि पानीपत के 24 अप्रैल के 400 साल प्रकाशोत्सव में वो आए, उनकी सारी बुद्धि ठीक हो जाएगी। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सब्सक्राइब करो बनेरा टीवी, अते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन ते क्लिक करो।